नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ वेस्ट ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको पता चले, जो शायद वो नहीं बोल पा रहे हैं। सो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने स्टेटस के थ्रू, अपने स्टोरीज के थ्रू, या किसी फ्रेंड के ज़रिए, या किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि आपको पता चले वो क्या है जो आपको बताना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको पता चले। सो हम ये देखेंगे आज, डिटेल्स रीडिंग करने की कोशिश करूँगी डिवाइन को सरेंडर करके। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करें। ये ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और पॉजिटिव एनर्जी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम कीजिएगा। कनेक्ट कीजिए मुझसे ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इन टू द रीडिंग। Twin, please guide. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, और क्या ऐसा है जो वो चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले। डिवाइन प्लीज गाइड। ऐसा क्या है जो वो नहीं बता पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले। डिवाइन प्लीज गाइड। One more time, please. Move. Spread your wings. Joy and stability. Solar plexus chakra. Master. Flow. Dream comes true. Strengthening bond. Base chakra and change your focus. Choose your battle की energy यहाँ पे है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 7, 2, 4, 3, 15, 10, 9, 5। 1-1 की एनर्जी यहाँ पे है। सो कुछ कंप्लीशन और कोई न्यू बिगनिंग होता मुझे ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे। क्या चाहते हैं कि इंसान आपको पता चले? ये इंसान मूव की एनर्जी देख रहे हो ना, मूव मतलब आगे बढ़े कोई स्टेबिलिटी के लिए, या फिर ये मैरिज हो सकती है, गठबंधन है एक्चुअली यहाँ पे। अब कुछ लोगों का गठबंधन हो सकता है कि फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, कुछ आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके चलते आप दोनों का मिलना, मतलब सामाजिक तौर पर मिलना, सोसाइटी का अप्रूवल मिलना में भी नहीं पॉसिबल है। तो ये इंसान चाहते हैं वो स्टेबिलिटी, ताकि यू नो एक गठबंधन जैसा ही, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी ये इंसान चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी देख रही है। क्यों है डिवाइन यहाँ मूव की एनर्जी? वन मोर टाइम प्लीज। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इंसान, जहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं सब कुछ, फ्रेश स्टार्ट, और होपफुल हैं। इनको पता है कि चीज़ें आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी आप दोनों के बीच, और कुछ हीलिंग वगैरह भी करते दिख रहे हैं इंसान। कोई होपनोपनो प्रेयर हो सकता है, कुछ कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन हो सकता है, क्षमा प्रार्थना हो सकता है, फिर एक गिल्ट हो सकता है अपने आप में, जहाँ इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने गलत किया, और जब रियलाइजेशन होती है लोगों को वहीं से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये इंटरेस्टेड है, ये बात करना चाहते हैं आपसे, या फिर ये एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ। स्प्रेड योर विंग्स की एनर्जी है, कुछ ऐसी एनर्जी जो कि ये अपने मन की नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान किसी और से मैरिड है, या फिर इनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके चलते ये जो चाहते हैं वो ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, आप समझिए कि अगर ये इंसान अपने घर में प्रोवाइडर है, मतलब यही इंसान है जो कि पूरा घर देखते हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी का नहीं कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा ये इंसान किसी के अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये चीज़ें इनको रोक रही है आपके साथ स्टेबल होने के लिए। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये जो चाहते हैं ना, जैसा होता है कि स्प्रेड योर विंग्स की
स्प्रेड योर विंग्स का मतलब क्या होता है कि हम जो मर्जी वो कर सकते हैं, है ना, मतलब हम इतने अवेकन्ड हैं, हम इतने कैपेबल हैं कि हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं. सो ये इंसान वो नहीं कर सकते हैं. ये चीज़ें इनको रोक रही है आपसे कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं. एक कोलैबोरेशन ज़रूर चाहते हैं आपसे, लेकिन ये इंसान अपने मन का नहीं कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है, जॉय एंड स्टेबिलिटी की एनर्जी है यहाँ इनके कॉन्शियस माइंड में. ये एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ. बहुत सोलफुली फीलिंग है इनकी, और ये चाहते हैं कि ये सब आपको पता चले कि ये इंसान मैच्योर हो रहे हैं. पास्ट में अगर इनकी एनर्जी बहुत इमैच्योर एनर्जी थी, तो ये मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं. इमैच्योर एनर्जी क्या होती है प्यार में, रिलेशनशिप में क्या होती है इमैच्योर एनर्जी? जब वो आपका कॉल देख रहे हैं तो भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, है ना. अगर वो मूव ऑन करना चाहते हैं फिर भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब एक क्लियरिटी नहीं है, सब चीज़ छुपा हुआ सा है, बता नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं तो भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. सो ये सारी मैच्योर एनर्जी होती है, और ये बहुत हद तक चाइल्डहुड वुंड के कारण होती है. ठीक है, सो ये इंसान एक मैच्योरिटी चाहते हैं, एक मैच्योर, इनको पता है कि रिश्ते में इनके इमैच्योरिटी के चलते ही रिश्ता ख़राब हुआ है. अब ये इंसान ये चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में जॉय, स्टेबिलिटी अगर चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो इनको मैच्योरिटी दिखानी होगी. जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सही टाइम पर कॉल करें, एक टाइम रखें कॉल करने का, ताकि आप भी फ्री हो सके, अपने डेली रूटीन्स जो आपके रहते हैं, जो शेड्यूल आपके रहते हैं काम के, वो भी आप उसको भी यू नो बैलेंस कर पाओ, और इनको भी टाइम दे पाओ. सो एक जो आप डिमांड्स इनसे कर रहे हो ना, या फिर आप मैरिज का कमिटमेंट अगर चाहते हैं, तो ये इंसान बात करे घर पे और चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करे. सो जो आप डिमांड्स कर रहे हो ना, उनको ये इंसान मैच्योरिटी के साथ डील करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों से, और एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में कॉन्शियसली. अपने विशेष पे ये काम करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं खुशियाँ उस पर काम करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है. ठीक है, और 16 प्लेक्सस चक्र की एनर्जी है, जहाँ सबकॉन्शियसली ये इंसान स्ट्रेंथ चाहते हैं. जहाँ में भी इंसान इंडिसाइसिव होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिसीजन लेना हमेशा कॉन्फिडेंस को दर्शाता है. अगर एक इंसान बहुत क्विकली डिसीजन ले रहा है, या फिर सोच समझ के भी डिसीजन ले रहा है, इसका मतलब वो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है. ये इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है. जहाँ पे कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि विल पावर नहीं है, कुछ एक्शन लेने के बारे में बहुत सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं. सो इनको सबकॉन्शियसली इनको ऐसा चाहिए कि इनके अंदर गट्स आए, इनके अंदर वो विल पावर आए, कॉन्फिडेंस आए, ताकि ये इंसान एफर्ट्स ले सके आपके टूवर्ड्स. ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है. शांत है, चुप है, हील करना चाहते हैं अपने आप को, या फिर सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, ऐसी रची दिख रही है इनकी. हाँ, ओके. पास्ट में इंसान बहुत अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना, या फिर ऐसे कैसे बताऊं, लाइक होता ना कि अपने हिसाब से बहुत मन कर रहा है तो बहुत प्यार एक्सप्रेस करेंगे, नहीं मन है तो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करेंगे. सो एक बैलेंस, एक कॉम्प्रोमाइज़ की कमी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, या अपने साइड से जब मर्जी होगी तभी बैलेंस करना, जब मर्जी होगी तो चीज़ों को इम्बैलेंस कर देना, ऐसी एनर्जी दिख रही है. जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ एक्सपेक्ट जब कर भी रहे थे इनसे कि ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, तो ये इंसान अपने आप में एक प्राउड में, एक ईगो में थे. पास्ट की एनर्जी इनकी ऐसी दिख रही है. ठीक है, सो अपने एंड से कोई बैलेंस करना, कोई चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना ये नहीं कर रहे थे. इनकी अपनी खुशियाँ थी, मतलब जो ये चाहते हैं वो करेंगे, जब ये चाहते हैं बात करेंगे, जब ये चाहते हैं तब आप मिलने आओ, जब ये चाहेंगे तब आप मिलने जाओ, जब ये नहीं चाहेंगे तो ये नहीं आएंगे. मतलब अपनी खुशियों को पहले प्रायोरिटी में रखना, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना, एक लीडरशिप, मतलब ये लीड करना चाहते थे इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी पास्ट में रही होगी इनकी. ठीक है, प्रेजेंट में ये इंसान एक फ्लो में है, जहाँ पर जैसे चल रहा है वैसे ये इंसान चला रहे हैं. एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है जिसमें वो बह रहे हैं. ठीक है, ऐसी एनर्जी है. सो बहुत ज़्यादा चीज़ों को फील करना, खुशियों को अट्रैक्ट करना, खुशियाँ चाहना, ऐसी भी एनर्जी है. गो विद द फ्लो मतलब सरेंडर है ये इंसान, जहाँ ये खुशियाँ चाहते हैं, जहाँ ये हो सकता है कि डिवाइन से प्रेयर कर रहे हो, या फिर बहुत इनकी इच्छा हो आपसे कनेक्ट करना. सो इनके डिज़ायर्स जो है ना वो मैनिफेस्ट होती दिख रही है. मैनिफेस्ट नहीं भी हो रही है तो ये चाहते हैं मैनिफेस्ट करना. ठीक है, खुशियाँ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक ज़िंदगी में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी. ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जी है. इनको ऐसा लग रहा है कि यू नो जहाँ ये है, ये इंसान, एटमॉस्फेयर इनका ऐसा है जहाँ पे
ये जस्टिस चाहते हैं अपने लाइफ में, और ये चाहते हैं कि जो भी ये इनके डिज़ायर है ना वो फुलफिल्ड हो, जो ये इंसान चाह रहे हैं वो पूरा हो। अगर ये चाह रहे हैं यूनियन, अगर ये चाह रहे हैं आपके साथ मैरिज करना, अगर ये चाह रहे हैं आपके साथ स्टेबिलिटी, तो वो पूरी हो। ये जस्टिस चाहते हैं, मतलब आपके साथ जस्टिस करना भी चाहते हैं और खुद के साथ भी जस्टिस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, रात में नहीं सोना, दिन पूरा तो निकल जाता है इनका काम वाम में यहाँ वहाँ, लेकिन रात में इनको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पे, या बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए इंसान सोते होंगे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एक एनर्जी इनकी है, ओवरऑल लाइफ की एनर्जी, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर है, जो आपकी एनर्जी, मतलब आप कोई इंसान देख रहे हैं इस एनर्जी में। इनको लगता है कि आप चाहेंगे तो चीज़ों को सही कर दोगे, आप यू नो सेपरेशन को ख़त्म कर दोगे, आप फ्यूचर में भी इस रिश्ते को, इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर दोगे। सो आपकी एनर्जी में इंसान ऐसे देख रहे हैं कि न्यू बिगनिंग, आप जब चाहेंगे तो न्यू बिगनिंग हो जाएगा, आप जब चाहेंगे तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपसे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं ऐसी एनर्जी में, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, जो कैपेबिलिटी है इस रिश्ते को सही करने में, जो लव केयर कंपैशन है वो आप में है, जो हीलिंग क्वालिटीज़ है वो आप में है, जो सही कर सकते हैं चीज़ें वो आप कर सकते हैं। सो ऐसी एनर्जी में आपको इंसान देख रहे हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आपको पता चले ये सारी बातें जो ये सोच रहे हैं। ऑब्स्टिकल क्या है? रूट चक्र ऑब्स्टिकल है। रूट चक्र जब ऑब्स्टिकल होता है ना तो ब्लॉक्ड है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि इम्बैलेंस्ड, ब्लॉक मतलब तो फिर ब्लॉक, यू नो, जब आदमी जिंदा है मीन्स ब्लॉक नहीं है, जिंदा है मीन्स इम्बैलेंस्ड है, या तो ओवर एक्टिव है या फिर एक्टिव नहीं है, लेस एक्टिव है, ठीक है। सो ये जब एनर्जी इम्बैलेंस्ड होती है तो फियर बहुत होता है, डर बहुत होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, खोने का डर, यू नो, इस तरह की बहुत सारे डर से इंसान घिरा होता है जब रूट चक्र इम्बैलेंस होता है। तो इसलिए इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आती है, एक्शन इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि रूट चक्र ब्लॉक है। बहुत सोचेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे कुछ। रूट चक्र जब ब्लॉक होगा तो इंसान कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा, हमेशा उनके मन में डर रहेगा, किसी को खो देने का डर, अबैंडनमेंट का डर, इमेज कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा होती है कि कोई मेरी इज्जत, मतलब कोई मेरी बेइज्जती कर देगा, है ना, बहुत सारा डर मन में होता है, जो डर को सोच के वो इंसान कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी है। सो यस, ये एनर्जी है जब रूट चक्र ब्लॉक होता है, ओवर अग्रेशन, ओवर पॉजिटिवनेस, हर चीज़ ओवर, और ये रूट चक्र इम्बैलेंस होने से होता है, ठीक है। ये एनर्जी डेविल की एनर्जी, मतलब ओवर होंगे सब चीज़ में, और ये ओवर एक्टिव रहता है ना जब रूट चक्र, तभी एनर्जी होती है डेविल की एनर्जी, जहाँ या तो ओवर सेक्सुअल एनर्जी होती है, ओवर एग्रेशन होता है, ओवर पॉजिटिवनेस होता है, जो भी एनर्जी होगी वो ओवर होंगी। सो ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए जो कि इनके अंदर है। जब ये इंसान प्यार करेंगे तो बहुत अति कर देंगे प्यार, जब एक्सप्रेस करेंगे अति कर देंगे, जब नहीं एक्सप्रेस करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। अग्रेशन, गुस्सा जब आएगा बहुत एक्सट्रीम आएगा, जब पॉजिटिव होंगे तो एक्सट्रीम होंगे, यू नो, हर्ट करेंगे आपको, ऐसी एनर्जी है। सो ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, और इनको पता है, और इनको ये भी पता है कि यू नो ये सारी एनर्जीज के चलते ही ये इंसान के साथ आपका रिश्ता खराब हुआ है, ये ऑब्स्टिकल है, ये इनको पता है, ठीक है। चेंज ऑफ फोकस की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि स्टेबिलिटी के लिए है, नंबर 5 की एनर्जी है, और नंबर 5 ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, और स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान अपना फोकस चेंज करना चाहते हैं। अगर ये इंसान का फोकस कहीं और था, इस रिश्ते में नहीं था, स्टेबिलिटी पे नहीं थी इस रिश्ते की, तो ये इंसान चाहते हैं कि अपना फोकस चेंज करके स्टेबिलिटी पे लेकर आए। स्टेबिलिटी नंबर 5 को बताती है ना, और नंबर 5 क्या चाह रहा है, मतलब चाह क्या रहा है इंसान, स्टेबिलिटी में क्या है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, मे बी आपसे मैरिज करना, मे बी आपके साथ ज़िंदगी जीना, आपके साथ बहुत सारे डिज़ायर्स उनको पूरा करना, बहुत कुछ और, ठीक है। सो ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। कुछ लोग तो ऐसा भी हैं जो कि ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, बूढ़े होना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो यस, एक सेकेंड चांस ज़रूर देना चाहते हैं इंसान इस रिश्ते को, ताकि ये रिश्ता ग्रो कर सके और एक स्टेबिलिटी आ पाए इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और चूज़ योर बैटल की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक। ये इंसान यू नो ये माइंडसेट इनका है इस टाइम पे कि इनके लिए प्रायोरिटी क्या है। इनके लिए प्रायोरिटी में वो लोग जो कि पास्ट में जिनको इन्होंने चुना था और जो इनको तकलीफ़ दे रहे हैं अब, या फिर आप जिन्होंने बहुत अनकंडीशनल लव किया था और आपको इन्होंने तकलीफ़ दी, या इनका करियर जिसके चलते आपको कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने, या फिर कुछ और जिसके चलते आपको कॉम्प्रोमाइज़ किया। सो ये अपने प्रायोरिटी को सेट करना चाहते हैं इस टाइम पे, और इस इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये डिसाइड करना चाहते हैं। और ये इंसान आपसे भी वही चाहते हैं कि आप सेट करें कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी
वैरायटी है, अपना बैटल चूज़ करें कि कहाँ आपको स्ट्रेंथ लगाना है, कहाँ आपको अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। ये इंसान आपसे भी ये चाहते हैं, क्योंकि ये आपको वही दिखा रहे हैं कि यू नो, आप अपना अपनी प्रायोरिटी को सेट करें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की, जहाँ ये चाहते हैं कि ये सब आपको पता चले और ये इंसान में भी आपसे बोल नहीं पा रहे हैं या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो, सो ये इंसान ये सब आपसे बोलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो हम कुछ मैसेजेस चेक करेंगे कि आप और बोलना चाहते हैं इंसान। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। यू आर माई सोलमेट, ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप इनके सोलमेट हो। सोलमेट जैसी फीलिंग्स इनको होती होगी, इसलिए अगर ये इंसान फिजिकल वर्ल्ड में आपसे मैरिज नहीं कर सकते हैं तो भी ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्ट्रांग हो और स्ट्रांग बॉन्ड हो, एक जीवन साथी वाला रिश्ता ही आपके साथ हो, ये इंसान ये चाहते हैं। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, जब आपको सोचते हैं तो ये थैंक यू फील करते हैं कि आप इनके लाइफ में आएँ। यह इंसान ट्रांसफॉर्म हुए में भी बहुत नेगेटिविटी थी इस इंसान के अंदर और वो सारी नेगेटिविटीज़ हील हुई हैं, सो थैंकफुल है आपके लिए इंसान। आई मेड मैनी मिस्टेक्स, बहुत सारे मिस्टेक्स इन्होंने किए, इनको पता है वो चीज़ें। ठीक है, आई क्राइड इन साइड ऑफ मी, ये रोते हैं आपके लिए और किसी को पता नहीं चलता होगा, ऐसी एनर्जी है। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट, बहुत हेल्पलेस फील करते हैं ये, जहाँ पर ये चाहते हैं आपके साथ रहना लेकिन कुछ चीज़ें इनको रोक रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई एम वरीड अबाउट यू, आपके लिए चिंतित हैं इंसान कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा यू हैव चेंज अ लॉट, आपको बहुत चेंज होता हुआ इंसान देख रहे हैं और ये इनको ज़्यादा इनसिक्योर कर रहा है। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी, जो ये हैं अंदर से इंसान, एक डेविल वाली नेचर जो है इनकी, कि आप उनके उस नेचर के साथ इनको एक्सेप्ट करोगे, आपसे ये पूछना चाहते हैं। वाई यू इग्नोर मी नाउ डेज, आप क्यों इनको इग्नोर कर रहे हैं इन दिनों, ये आपसे ये पूछना चाहते हैं। वाई डिड यू दिस टू मी, आपने क्यों किया इनके साथ आप हमेशा जाते थे इनको मनाने के लिए, आप क्यों नहीं गए आप। यू डोंट रियलाइज वेन यू हर्ट मी, जब आप इनको हर्ट करते हो तो आप रियलाइज़ नहीं करते हो, इनको ऐसा लगता है। आई मिस यू, आपको मिस कर रहे हैं इंसान, ऐसी राजी है। ठीक है, यस यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज, जब सोते हैं आजकल तो आपका ही सपना देखते हैं इंसान, ये आपसे ये बोलना चाहते हैं। सो ये सारी बातें हैं जो ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, गलती की इन्होंने, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करोगे, क्या आप इन ये जो रियल सेल्फ आपने इनका देखा है, क्या उसके साथ आप इनको एक्सेप्ट करोगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इनके मन में है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।